सब्सक्राइब करें टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में दोस्तों आपको जानकारी देने वाला हूं। मुझे काफ़ी सारे टेलीग्राम पर मैसेज आए थे, ईमेल भी आई थी और साथ में कमेंट सेक्शन में भी मुझे देखने को मिली थी कि अगर आप फंड भेजना चाहते हैं या माने या पैकेज एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंड किस हिसाब से भेजना पड़ेगा और क्या क्या उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी आपको, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे अगर आपके पास मान लेते हैं कोई वॉलेट हो या आपके पास एक्सचेंज मान लेते हैं जैसे वजीरेक्स का एक्सचेंज है, तो वजीरेक्स की आप यहाँ पे देखिए फ़ी स्ट्रक्चर है, डिपॉजिट और विड्रॉल की फ़ीस जो है, तो मैंने यहाँ पे देखिए वजीरेक्स को USDT जो कॉइन आप भेजेंगे वहाँ से तो मिनिमम विड्रॉल जो है वो है, आपको मैं एक बार पेज ऊपर देख लेते हैं एक बार, विड्रॉ फी आपकी मिनिमम 10 लगने वाली है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट आप 10 से कम नहीं कर सकते और मिनिमम विड्रॉल अमाउंट जो है ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो आप कम से कम 20 USDT आपको एक बार में निकालना होगा जिसमें 10 USDT आपका फ़ी लग जाएगा और आपके जहाँ भी भेजेंगे आप 10 USDT ही जाएगा। तो वजीरेक्स का तो मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। अगर हाँ आपके पास बाइनेंस अकाउंट भी है तो आप अपने इस USDT को बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। अगर आपको नहीं आता है तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए एक ये वीडियो है, फंड ट्रांसफ़र विदाउट फी बाइनेंस टू वजीरेक्स, वजीरेक्स टू बाइनेंस, तो आप इसे देख सकते हैं। तो वजीरेक्स से आप अपने फी को पहले बाइनेंस में ले जाइए, वहाँ से आप उसको फंड को भेज सकते हैं। तो मैं बाइनेंस पर आता हूँ, तो बाइनेंस का देखिए फी स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए USDT ये देखिए ERC-20 टोकन भेजना आपको, अगर ओमनी और TRC-20 नहीं चलेंगे, सिर्फ ERC-20 में आपको देखिए मिनिमम जो विड्रॉल है वो $2.3 का है और फी जो लगने वाली है 1.15 की। तो इसको हम कैसे समझते हैं दोस्तों, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आपको जैसे 1 month का पैकेज है 1.17 का, 1.17 प्लस, अब हम बाइनेंस की देख लेते हैं उसकी फ़ी कितनी लगने वाली थी 1.15, तो हम इसमें प्लस 1.15 को ऐड करेंगे तो आप वहां से अगर आपको भेजना होगा तो आप 6.32 USDT सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे पास 5.17 BTC आएगा, क्योंकि इनका इतना फंड इसमें से आपका इतना विड्रॉल फी कटेगी। तो ये है दोस्तों, और सेम ऐसा ही देख सकते हैं आपको और भी इससे ऊपर के पैकेज का, तो उसका भी सेम यही प्रोसेस है। मैं देखो पैकेज लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए 3 महीने का पैक करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको करना क्या होगा, तो जैसे 16 है उसमें प्लस 1.15 ऐड करेंगे तो आपको सेंड करना होगा 17.15। और अगर बात करते हैं कि आप अभी मुझे अभी भी रिसेंटली बिल्कुल एक कमेंट आया था, अभी मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया था मेरे YouTube पर कि आपने भी अपना प्रीमियम चैनल शुरू कर दिया, ये है वो है। तो दोस्तों 2 महीने तक बिल्कुल फ्री दिया गया है आपको ये, और मोस्टली आपके पास आप चाहें तो बहुत सारे फ्री चैनल्स भी हैं जिसके अंदर आपको उनका स्टेटस अच्छे से पता होगा, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो, तो आपको यहाँ पर भी वैसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी फ्री आपके फ्री ग्रुप के अंदर भी, पर प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिर्फ वही लोग जुड़ेंगे जो जेन्युइनली चाहते हैं ट्रेडिंग करना, इस बिजनेस में बने रहना और इधर से उधर कूदने की जिनको जरूरत नहीं होती इस ग्रुप से उस ग्रुप में, सिर्फ उन्हीं के लिए ये ग्रुप बनाया गया है ताकि जेन्युइन पर्सन, और सिर्फ बहुत ही नॉमिनल फी है। आप किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी टेलीग्राम पेड ग्रुप में जाकर सिर्फ एक बार चेक कीजिए कि आपको कितनी फी तक के लिए देनी पड़ती है, 0.02 लाइफ टाइम फी, आप समझते हैं ना 0.02, अगर अभी BTC करीब करीब $8,800 का है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 0.02 यानी कि क्या इसका अमाउंट बनता है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, तो आपको करीब करीब $176 के आसपास आपका अमाउंट बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कई जगह $0.02 भी है, तो बहुत ज़्यादा जगह पर इसका वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सीधी सीधी अपनी कल की सीट पर भी ले चलता हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके करीबन 3 महीने की फीस का मैं मिनिमम जुगाड़ करवा दूंगा या हो सके तो आपका 6 month का, तो आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सीट दे सकते हैं। जैसे जितने भी कॉइन्स आपको सिग्नल्स में दिए गए थे उन सबको आपने बराबर बराबर अपने अपने $100 को डिवाइड कर लिया है, उसके बाद आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर आपका आया है।
$12.5 इन्वेस्ट करने पे आपको इतना डॉलर प्रॉफिट हुआ, और ये टोटल ओवरऑल करीब करीब $21 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो अब बात कर लेते हैं बाइनेंस की। जैसे आपको मैंने बता दिया, सिंपली आपको वहां से सिर्फ सेंड करना होगा। और अगर आप बात करते हैं कॉइन डीसीएक्स की, मुझे कॉइन डीसीएक्स के भी बारे में किसी ने कहा था कि मैं कॉइन डीसीएक्स यूज करता हूँ, तो मैं देखिए विड्रॉल फी पे चलता हूँ कॉइन डीसीएक्स के। और यहाँ पे देखिए टेथर यूएसडीटी की बात करते हैं, 4 USDT मिनिमम आपको विड्रॉ करने होंगे, जिसमें से 2 USDT तो आपका फी ही लग जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ पर करीबन 5, अगर आप 1 month का चार्ज करते हैं तो आपको 5.17 प्लस 2 USDT यानी कि 7.17 USDT ट्रांसफर करना होगा। किस एड्रेस पे, जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस एड्रेस पे आपको ये ट्रांसफर करना होगा। इसके लिए आपको क्या करें, सिंपली आप जाएं इस पे फंड ट्रांसफर करिए, तो आपको एक TXID जनरेट होगी यानी कि ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगी। उसको कॉपी करेंगे या उसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे अगर मोबाइल से कर रहे हैं, तो उसको मेरी ईमेल आईडी यानी कि मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा techhelpinhindi@gmail.com पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी, साथ में उसका स्क्रीनशॉट, और इस ईमेल आईडी पर अपना टेलीग्राम का यूजर नेम जिसको ऐड करना है हमें अपने प्रीमियम चैनल में, उसका नाम लिखकर, उस ट्रांजेक्शन आईडी का नाम लिखकर मेरी ईमेल पर सेंड कर दीजिए। आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और 1 तारीख से उस पर सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक और प्रीमियम ग्रुप बनाया जाएगा चैट के लिए, ताकि उसमें अर्ली रिस्पॉन्स दिया जाएगा जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और साथ साथ मैं आपसे एक और बात कहूँगा, जो लोग सिग्नल देने के बाद भी अलग अलग कॉइन्स के ऊपर उछल उछल कर जाते हैं कि नहीं जी ये लेना चाहता हूँ मैं, ये भी मार्केट इसकी अप चल रही है, इसकी डाउन चल रही है, आपको जब इतने सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, आपको कल की डेट में 11 या 10 सिग्नल्स दिए गए हैं, कम नहीं होते हैं ये। बाकी आप किसी भी पेड ग्रुप में जाकर देखेंगे तो आपको या तो फीस का तो इतना जबरदस्त डिफरेंस मिलेगा, अगर वो सिग्नल्स देते भी हैं आपको तो लीवरेज ट्रेडिंग के देते हैं जो हाईली रिस्की होते हैं। मैं आपको दोनों तरह के सिग्नल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। और लीवरेज के मान लीजिए, अगर मैं 100%, अगर मैं 100 सिग्नल्स देता हूँ आपको टोटल ओवरऑल, तो उसमें से करीब करीब 20 या 25% ही लीवरेज के होते हैं, बाकी मोस्टली नॉर्मल ट्रेडिंग के ही होते हैं। तो ये है दोस्तों। और अगर बात करते हैं इससे हटके, अगर कम्युनिटी के चैटिंग को लेकर बात करते हैं, तो आपको जो हमारा नॉर्मल ग्रुप है टेक हेल्प हिंदी ग्रुप है, जो नॉर्मल ग्रुप है चैट के लिए, उससे अर्ली रिस्पॉन्स आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो प्रीमियम के बेनिफिट तो होंगे, अगर ओवरऑल आप जब अगर कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट उठाना ही पड़ेगा। मेरे जो इसके लाने का सिर्फ यही मकसद था, आपको पता है ये 400 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती, उससे ज़्यादा मैं सिर्फ ट्रेडिंग करके ही उठा सकता हूँ। पर मकसद ये है कि सिर्फ जेन्युइन पर्सन ही साथ में जुड़े, अननेसेसरी के पर्सन ना जुड़े, क्योंकि मैं सिर्फ सब लोगों के सिर्फ सवाल जवाब में, मैं इधर बियर बाय करना चाहता हूँ, मैं इधर बुल बाय करना चाहता हूँ, मैं ये FTM ले लूँ, मैं कॉइन ये कॉइन ले लूँ, मैं वो कॉइन ले लूँ। ऑलरेडी जिस कॉइन का मैंने सिग्नल दे भी दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मुझसे भी सुबह एक सवाल आया था, बीम का था, पता नहीं किसका था, ध्यान या शायद आईटेक्स का ही था, अब बुरा ना मानिएगा दोस्तों अगर आप इसमें आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कर दिया है आयोटेक्स का, और उस पर मैंने मेंशन भी किया है कि आपको मिनिमम ये 52 तक होल्ड करके रखना है। तो ये 52 तक गया भी था, आप चाहते तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके 10.64% का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते थे। आप उसके बाद 50 50 पर ये आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते थे, बहुत ही नज़दीक स्टॉप लॉस दिया था इसलिए ताकि आपका लॉस ना 49 पे चला जाइए, तो आप तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये थी दोस्तों को स्ट्रेटेजी, इसका यूज करें आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो देखिए कल के दिन में सिर्फ आपने $100 से $21 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। फंड भेजने का मैंने आपको बता दिया, फंड भेजने में गलती ना करें दोस्तों, जो विड्रॉल फी लगती है वो उसके अंदर ऐड करके ही भेजें, अदरवाइज फंड कम ट्रांसफर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ी सी समझाने के लिए वीडियो दी थी। और हाँ, जाते जाते एक बात कहूंगा, अगर आप सिर्फ $100 लेकर बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 जैसे मैंने आपको बताया भी था, तो आप अपने एक कॉइन में मिनिमम जैसे मैं आपको बता भी 2 से 5%, 5 से 7%, ये उन लोगों के लिए था जो 1 BTC के आसपास या ½ BTC से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनके पास मोटा अमाउंट है। अगर आप सिर्फ $100 की बात करते हैं तो आप एक सिग्नल में $10 के आसपास का इन्वेस्ट करेंगे, पर उससे बहुत ही कम मार्जिन होगा, पर आपको रिस्क भी कम होगा और थोड़ा पर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि विद इन अ मंथ आपका 2x से 4x की मैं पूरी मेरी तरफ से पूरी वो है। तो
इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, पर आपको जो स्ट्रेटेजी यूज करनी है जैसा बताया उस पर ही चलिए, इधर उधर कॉइन्स पे ना भागें। ऑलरेडी मैं आपको इतने सिग्नल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आज आज के भी करीब करीब 5 सिग्नल्स दे चुका हूँ जो भी बाइंग रेंज से हल्के ऊपर है, पर आपको बाइंग रेंज बता दी है, आप उसके बिड सेट करके रख सकते हैं 10% के, जैसे उसके अंदर आ जाएगा फिर आपको होल्ड करना है। उसमें ये भी बताया कितने दिन तक होल्ड करना है आपको, कितने टाइम तक के अंदर ये आ सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। और सिर्फ आज की आपके पास कल कल का दिन और रह गया है मेरे पेड प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया कैसे करना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई डाउट रह गया हो तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ अभी आपको फिलहाल टेक्निकल हिंदी टीवी पे मिलेंगे, क्योंकि मेरी टेक हेल्प इन हिंदी चैनल को एक हफ्ते के लिए यूट्यूब से स्ट्राइक मिली हुई है। मैंने जो लाइव वीडियो बनाई थी शायद उसके लिए अननेसेसरी मुझे स्ट्राइक दे दी गई है, तो इस पर देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।